वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी आपको, हम मतलब एक दो दिन स्किप हो गया हमको ब्लॉग देने में। वो इसलिए हुआ क्योंकि ना मेरे बेटे का बर्थडे है 12 फरवरी को, तो उसकी थोड़ी सी मैं प्रिपरेशन में बिजी थी। और नॉर्मली क्या, घर इतना अरेंज नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक, ईमानदारी की बात करूँ। और फिर मेरे इन लॉज आने वाले हैं, फिर मुझे थोड़ी बर्थडे की शॉपिंग करनी थी, तो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई करके कि मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई। और फिर बहुत सारा कुछ मैं लेके भी आई, बहुत सारे सामान, तो मैं आपको आपसे शेयर करूँगी मैं बाद में। और अभी थोड़ा सा बस मैं उसी चीज़ में बिज़ी हूँ। और प्लस ऐसा है कि कोविड का टाइम है, तो बच्चे अपने थोड़ा बहुत दो चार लोगों को बुलाते बुलाते हैं कि उनको उनके फ्रेंड्स चाहिए और फिर उनको अपने पसंद की चीज़ें चाहिए, तो वो सब चीज़ मैं अरेंज करने में बिजी थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अपने में बिजी, उनका ऑफिस का टाइम है, तो उनको अपन बोल नहीं सकते, वो थक जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारा सॉरी कि मैं आपको व्लॉग नहीं दे पाई एक दो दिन, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ। वैसे आप मेरे हाल देख रहे हो ना, आज मैंने बनाया, सुबह बनाया मक्के की रोटी सरसों का साग, बस। और क्या किया, कुछ नहीं। अभी मेरे पति जी का पेट भरा है वो सर, तो अब बोल रहे थे वो कि नहीं खाएंगे, तो हम लोग अपने लिए चोखा और राइस खाएंगे। और आप ब्लॉग इन्जॉय करिए और बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। और मैं अपनी शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। बच्चों ने बहुत सारी शॉपिंग करी, शर्ट्स, वॉच और गॉगल्स, बहुत सारी चीज़ें ली, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, सारे मेरे बच्चों के पसंद किए। और ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। तो मिलती हूँ मैं आगे। हमारे घर के केले देख, कितने सुंदर केले हैं, सब पेड़ में पके हुए हैं। इसको हमने क्या किया है, ऐसे टांग दिया है। ये आज हम लोग क्या है, न्यू मार्केट आए हुए हैं और बेटे का बर्थडे का कुछ कुछ सामान लेना था इन लोगों को, तो इसलिए यहाँ पे आए हुए। मम्मी पापा सब, क्या क्या लेने जा रहे हो दोनों? पूछी आई हो क्या लेना है दोनों को? रिंकी क्या है? रिंकी ये तो और गजब है भाई। ये रिंकी की कमेंट्री चालू है। ये अच्छा, शॉपिंग मत करने देना तुम मुझे। आयु शॉपिंग करना है? क्या शॉपिंग करना आई हो? दोनों बच्चों आज मम्मी की तरह शॉपिंग मोड में ऑन है। ये देखो, हाँ यार ये अच्छा है, इससे अच्छा लगा है। Oh.
पकाने के बाद मिर्ची का तड़का लगाओ। हाँ, मिर्ची और लहसुन का तड़का। हाँ, मेथी का पराठा बनाना है ना, बारीक काटिए भी मत, मेथी छांट के और उसमें पत्ते मिलाइए, प्याज मिलाइए, मिर्ची मिलाइए और जीरा मिलाइए। मैंने बनाई है आज मक्के की रोटी और सरसों का साग और इंस्पायर भाई प्रियंका, ब्लॉग देख रही हो ना, तुमसे इंस्पायर होकर मैंने प्योर मक्के की रोटी ट्राई करी और मेरे इस भारत का नक्शा बनाया, दिखाती हूँ मैं, ये देखो। प्रियंका जैसे वैसे गोल गोल नहीं बनती। सरसों का साग जो बनाया है वो भी अलग टाइप है, काट काट के फिर उसको कढ़ाई में पका के अलग से, फिर उसको अलग से छौंक लगाते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है लाइक माय हस्बैंड। और इसमें भी सेम बोलूंगी, ये भी प्रियंका से इंस्पायर्ड। हाँ, ऐसा कल डिस्कस भी हुआ था सरसों का साग और ये मक्के की रोटी, कल पूरा डिस्कशन भी चल रहा था। और अभी संडे को भी वो होगा दाल बाटी चूरमा और क्या उससे अचार। कौन कौन के अचार का क्या क्या काम करेगा बताओ, रिकॉर्डिंग करते हैं। ये देखो हमें रिंकी बताई क्या क्या, अरे वो काटे की रिंकी, हाँ, और उबाले की रिंकी और क्या मिलाऊंगी मैं, और बाकी का काम क्या करेगा, सुखाएंगे और मिलाएंगे, हम मिला दिए। भैया क्या करेंगे, रिंकी ने आइडिया दिया कि भैया उसको बरनी बरते और क्या, आयुष आयुष सर सुखाएंगे, आयुष को धूप में सुखाएगा, पूछी सर का, वो पूछी यही भर नहीं करेगा। हाँ, पूछी को खाने को कह दो, पूछी खाएगा बन नहीं, पर ये दवाई बहुत ज्यादा हो गई है तो हम इधर से उधर कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, हमारी लड़के का बर्थडे आ रहा है। हाँ।